मम्मी 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 ओ मम्मी। लिली तू बिना बताए कहां चली गई थी? मैं कितनी परेशान थी। इतने दिन घर में बैठ के मम्मी जी उकता गया था, इसलिए बाहर चली गई। लेकिन आज आज सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, लोग कितने अच्छे हैं, सारा संसार कितना अच्छा है। मम्मी मम्मी आज मैं बहुत खुश हूं, मम्मी बहुत खुश हूं मम्मी। अच्छा अच्छा, पर इतना ज्यादा बोलने की क्या जरूरत है, तू थक जाएगी। देखो मैंने फैसला कर लिया, आज से सारे घर के काम मैं ही करूंगी। घर के सारे काम वैसे भी तू करती है, आज इसे कौन सी नई बात हो गई? नई बात नहीं, कुछ नहीं। देखो मम्मी मुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए ना, तुमने कितनी तकलीफ उठाकर मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मेरा भी तो कुछ फर्ज है। ओ मम्मी मम्मी जी चाहता तुम्हारी खूब सेवा करूं, तुम्हारे लिए चाय बनाऊं, और जब तुम नर्सिंग होम से लौटो तुम्हारे पैर दबाऊं। लिली आज तुझे क्या हो गया है बेटी? मैं बहुत खुश हूं ना मम्मी, मम्मी तुम नहीं जानती मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूं मम्मी। मम्मी मम्मी तुम ऐसे क्यों देख रही हो मम्मी? अच्छा मम्मी अच्छा मैं जाऊं मम्मी, मैं जाकर सोती हूं मम्मी। रूबी, ओ रूबी, लिली आई? हाँ। वो मेरी मेरी डिस्पेंसरी में आई थी। हाँ? शायद उसे सब कुछ मालूम हो गया है। रूबी रूबी उसकी हिम्मत बढ़ाती रहो, उसकी हिम्मत बढ़ाती रहो। कैसी है? फर्स्ट क्लास। अरे आज तुम कॉलेज नहीं गए? नहीं। तुम्हें तो अभी बुखार है। तो क्या हुआ, दो चार दिन में ठीक हो जाऊंगी। दो चार दिन? तो क्या हुआ, जब तक मैं कॉलेज नहीं जाती मेरे हिस्से की पढ़ाई तुम कर लेना। वो कुछ भी हो, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं कॉलेज वॉलेज जाने वाला नहीं। अरे वाह, मेरी इतनी सी बीमारी के लिए तुम पढ़ाई छोड़ दोगे? अगर मैं मर गई तो? लिली फिर कभी ऐसी बात मुंह से निकाली तो? अरुण तुम समझदार हो, इसकी तबीयत खराब है ये कॉलेज नहीं जा सकेगी, लेकिन तुम क्यों अपनी पढ़ाई का नुकसान करते हो बेटे? ठीक है मम्मी, आप कहती हैं तो जाता हूं। बातों बातों में एक बात बताना तो भूली गया हमें। अब 19 तारीख है ना, अभी संडे है ना, उस दिन है डैडी है ना, वो शाम को एक छोटी सी पार्टी दे रहे हैं, उसमें हम दोनों की एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। वो कार्ड छापने को दे दिए? नहीं मम्मी नहीं, ये नहीं हो सकता, जैसा भी हो इस अनहोनी को होनी से रोको।
माया मुंह बढ़ाने से क्या फायदा, जबकि मालूम है कि अंत क्या है। लेकिन मम्मी, अरुण को इसलिए का मालूम नहीं पड़ना चाहिए, नहीं तो अरे भाई, मैं सब कुछ ले तो आया, लेकिन मुझे नहीं मालूम आजकल की लड़कियों की पसंद क्या होती है। अरे तो सरकार हिमा इतना फिकर करे कि कौन जरूरत है, हा? कपड़ा लत्ता गहना गुड़िया सब चकाचक है मालिक, बस कमी है तो सरकार एक चीज की। कमी? किस बात की कमी बोलो। सरकार एक तो हंसुली, एक जोड़ा कंगन और पायजेब। सरकार बहू रानी जब घर में चली है तो सारा घर छमा छम छमा छम हो जाइए। हाँ, हंसली। हाँ सरकार। कंगन। हाँ पायजेब। अरे का बात कर तो? अरे रघु, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम पुराने ख्याल वाले हो, तुम्हें क्या मालूम नए जमाने का चलन क्या होता है। हाँ सरकार, ये बात तो है, हम का ना ही मालूम। अरे तो मुझे भी कहाँ मालूम है, पर ऐसी भी क्या बात है, जब बहू आएगी अपनी मर्जी सारी चीजें खरीदती रहेगी। अरे आप कब आई, पर यहां चुपचाप क्यों खड़ी हैं? आइए ना, मैं तो आज शाम को ही आपके घर जाने वाला था। अच्छा क्या जो आप आ गई। अरे रघु। हाँ सरकार। अरे जाओ कुछ चाय ला के इंतजाम करो ना। अरे भाई करिए सरकार, आओ इधर जल्दी। 19 तारीख का सगाई का मुहूर्त निकला है, मैंने सोचा बहू के लिए कुछ चीजें लेता चलूं। ये देखिए अच्छी है ना, ये देखिए, ये साड़ी देखिए, ये कैसी है, ठीक है ना। अरे हाँ, आपको जेवर भी दिखाता हूं, ये मोतियों की नेकलेस अच्छी है ना, ये देखिए जड़ाऊ नेकलेस। अरे ये जेवरात पहनकर आपकी प्यारी बच्ची बिल्कुल गुड़िया लगेगी, गुड़िया। अरे हाँ एक और चीज, ये चाबियों का गुच्छा। अरे मुझे तो ख्याल भी नहीं था, वो तो मेरे जौहरी दोस्त ने मुझे याद दिलाया कि माथुर साहब, जब घर बहू को सौंपना हो तो उस गुच्छे में चाबियां लटका कर उसे देनी पड़ती हैं। रूबी जी, बस अब तो यही ख्वाहिश है कि सोने घर में फिर से जिंदगी की बहार झूम उठे, बहू आए, इस घर को संभाले और मैं उसके बच्चों के साथ हंसते खेलते अपने बुढ़ापे के दिन गुजारूं, यही मेरा अरमान है, यही मेरी अभिलाषा है। बहादुर साहब, ये शादी नहीं हो सकती। क्या कहा? ये शादी नहीं हो सकती। ये आप क्या कह रही हैं? हम दोनों ने मिलकर ही तो उनकी खुशी के लिए फैसला किया था। लगता है भगवान को हमारा ये फैसला मंजूर नहीं। आपसे अरुण के बारे में किसी ने कुछ कहा? तो फिर मेरे बारे में या मेरे खानदान के बारे में कुछ कहा? ऐसा अच्छा खानदान और आप जैसे ससुर पाकर मेरे लिए की जिंदगी धन्य हो जाती। इसका मतलब है कि आपने अपने विचार बदल लिए हैं। नहीं। तो फिर कौन सी ऐसी प्रलय आ गई है? प्रलय ही आ गई है माथुर साहब, प्रलय ही आ गई है। ऐसा लगता है जन्म जन्म की दुखिया की झोली में भगवान ने सारी दुनिया की खुशियां देते देते अपना हाथ खींच लिया। मिस्टर फर्नांडिस, आप इस फैसले से दोनों की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। माथुर साहब, मेरी लिली। क्या वो लिली को? क्या वो लिली को? बोलिए ना। उसे ब्लड कैंसर। मेरी इतनी प्रार्थना है वो मुझे भूल जाए, हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। डैडी, आई एम सॉरी माय सन, ये शादी नहीं हो सकती। मुझे लगता है आप किसी केस की तैयारी कर रहे हैं। मजाक छुड़े डैडी। बेटे, काश एक मजाक होता। तो और क्या है डैडी, आप लिली से मिले, उससे बातचीत की और उसकी मां से सब कुछ तय किया और मुझे वो फोटोग्राफ भी दिखाया था ना आपने। सब ठीक है बेटे, लेकिन
हालात बदल चुके हैं। हालात? कौन से हालात बदल चुके हैं डैडी? क्या मैं बदल गया हूं या लीली बदल गई है, या आपको सामाजिक ऊंच नीच का फर्क याद आ गया है, या आज अचानक जाति और धर्म की मर्यादा दीवार बनकर सामने आ गई है? डैडी बोलिए, डैडी बोलिए, किस बात पर एतराज है आपको? कोई एतराज नहीं, कोई बहस नहीं, लेकिन बेटे मैं फैसला कर चुका हूं कि ये शादी नहीं हो सकती।